आईपीएल 2025 को लेकर जो रिटेंशन की आखिरी तारीख है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन ऐसे में टीमें किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली हैं इसकी लिस्ट पहले से ही तैयार हो चुकी है। टीमें काफ़ी गहन मंथन के बाद अब किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, किसको रिलीज करेगी, इसको लेकर तैयार हो चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में मुंबई इंडियंस के बारे में आपको बताएंगे कि मुंबई इंडियंस की टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, इसके साथ ही कौन से वो पांच नाम हैं जिनको मुंबई इंडियंस की टीम रिटेन करेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान हैं उनको मुंबई इंडियंस की टीम रिटेन करने वाली है, और सबसे पहली रिटेंशन यानी 18 करोड़ रुपए वाली जो रिटेंशन है उसमें हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की टीम रिटेन करने वाली है। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम जो अगले खिलाड़ी को रिटेन करेगी उसमें नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह जो कि इस टीम का काफ़ी अहम हिस्सा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वो गेंदबाजी भी करते हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जसप्रीत बुमराह टीम में रहेंगे या नहीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी टीम रिटेन करने वाली है। तो जसप्रीत बुमराह नंबर दो रिटेंशन, नंबर एक हमने आपको बता दिया कि हार्दिक पांड्या, नंबर तीन पर अगर देखा जाए तो नंबर तीन की जो रिटेंशन है उसको माना जा रहा है कि रोहित शर्मा को नंबर तीन पर रिटेन किया जा सकता है, यानी 11 करोड़ रुपए की जो राशि है उसमें नंबर तीन पर रोहित शर्मा को रिटेन किया जा सकता है। रोहित शर्मा को लेकर तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या रोहित शर्मा को रिलीज़ किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं मुंबई इंडियंस का और यहाँ पर एक बार फिर वो हिस्सा रहने वाले हैं। इसके बाद चौथे खिलाड़ी को जो रिटेन किया जा सकता है उसमें नाम आ रहा है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनको भी यहाँ पर रिटेन किया जाएगा। और इसके बाद आखिरी नाम जो कि ईशान किशन का माना जा रहा है, ईशान किशन को भी रिटेन किया जा सकता है। तो ये कुछ नाम हैं, इसके साथ ही कुछ जगह ऐसा भी नाम चल रहा था कि नेहाल वडेरा को भी रिटेन किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है और 31 तारीख को जारी होने वाली सूची में किन किन खिलाड़ियों का नाम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुंबई इंडियंस की टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। इस खबर में इतना ही, स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।